देखिए अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 यानी क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या कहा, हम बताएंगे भी, समझाएंगे भी, सॉल्व करके आपको दिखाएंगे भी। इन्होंने कहा है एक्सप्रेस 49 आर द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 का इन्होंने स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है, 7 का स्क्वायर यानी कितना हुआ 49। तो हम क्या करेंगे बता देते हैं आपको, यहाँ पे लिखेंगे 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7, आगे लिखेंगे देयरफॉर इट इज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो 7 ऑड नंबर्स कौन कौन सा होगा हम बता देते हैं, 1 फिर प्लस करेंगे 3, 5, 7, 9 और 11, उसके बाद लिखेंगे 13। ये 7 आपका ऑड नंबर्स हैं। फिर से बता देते हैं कौन कौन से है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। इन सबको ऐड कर देंगे, बस हमारा आंसर यही है। तो चलिए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जैसा कि मैं बता दूं ये क्वेश्चन आसान है। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7, यानी 7 का स्क्वायर कितना है 49 है। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट इज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। बस यही आपको लिखना है। अब हिंदी मीडियम लिखेंगे यहाँ पे, हम बता देते हैं यहाँ पे लिखेंगे 7 का वर्ग बराबर 49। इसके बाद लिखेंगे इसलिए 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 49 है। यहाँ पे लिख लेंगे संख्याओं का योग कितना है 49 है। तो हमें कितना ऑड नंबर्स निकला है, 7 ऑड नंबर्स लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम यहाँ पे लिखेंगे 49 यानी 49 बराबर कौन कौन सा ऑड नंबर है, 7 हमें लिखना है, यानी लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ये हमारे क्या है 7 ऑड नंबर है। काउंट करके आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस प्रकार ये मिला हमारा फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड पार्ट। तो आप देख सकते हैं बुक के माध्यम से हम बताते हैं सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने दिया है एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स, यानी इन्होंने 11 का स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है, यानी 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। तो हमें क्या करना है 11 ऑड नंबर्स लिखना है। तो चलिए हम लिखकर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में थर्ड पार्ट इन्होंने दिया था, तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं इन्होंने कितने ऑड नंबर्स दिए हैं, 12 दिए हैं। तो एक नंबर हम क्या कर देंगे हटा देंगे, तो 21 तक हमारा ऑड नंबर्स मिल जाएगा। सेम आईडीटी यही लिखना है, यानी कहां तक 21 तक। 21 तक जब आप लिखेंगे तो ये हमारा 11 ऑड नंबर मिल जाएगा। तो आइए लिखकर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहां पे हम डायरेक्ट शो कर रहे हैं ताकि ज्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो। यहां पे लिखेंगे 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, देयरफॉर इट इज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। हिंदी मीडियम लिखेंगे 11 का वर्ग बराबर 121 है, इसलिए 11 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 121 है। तो चलिए हमें क्या करना है 11 ऑड नंबर्स लिखना है, यानी 11 विषम संख्या लिखना है। तो चलिए हम लिखकर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 121 = तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। आप काउंट कर सकते हैं
ये कितने ऑड नंबर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन्होंने 11 ऑड नंबर ही दिए थे, हमने 11 ऑड नंबर लिख दिया। अगर ये एडिटी 15, 14, 16 ऑड नंबर देते तो हम क्या करते और आगे तक लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ, ये हमारा फाइनली आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। जैसा कि हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसा कि हम बता देते हैं क्वेश्चन इन्होंने ये कहा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है। हम यही क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।